जीनियस लोगों की 10 आदतें, 10 हैबिट्स ऑफ जीनियस पीपल। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि इस दुनिया में हर कोई जीनियस नहीं होता, क्योंकि एक जीनियस और सामान्य इंसान में ना सिर्फ बहुत से अंतर होते हैं बल्कि उनकी आदतें भी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग होती हैं। अगर कोई इंसान जीनियस है तब उसके अंदर ऐसी निश्चिंत आदतें जरूर होंगी जो साबित करेंगी कि वो एक जीनियस है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं आदतों के बारे में जो साबित करते हैं कि आप एक जीनियस हो। नंबर 10, फॉरगेट अबाउट लिटिल थिंग्स। इंटेलिजेंट लोगों की एक और हैबिट भुलक्कड़ होना है। वैसे तो जीनियस लोगों को अच्छी मेमोरी को इंटेलिजेंट की निशानी समझा जाता है, लेकिन एक रिसर्च में पता चला है कि जीनियस लोग काफी ज्यादा भुलक्कड़ होते हैं। इन्हें छोटी छोटी चीजें भूलने की आदत होती है, ताकि छोटी और अनइम्पोर्टेंट चीजों की डिटेल्स अपने दिमाग से निकाल कर नए आइडियाज दिमाग में रख सके। फॉरगेटिंग नाम के निबंध में बताया है कि कैसे असाधारण बुद्धि वाले लोगों को छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती हैं। महान जीनियस आइंस्टाइन की भी याददाश्त कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें तारीखें और फोन नंबर भी याद नहीं रहते थे, यहाँ तक कि एक बार वो टैक्सी में बैठकर वो अपने घर का ही पता भूल गए थे। जीनियस लोग अगर हर चीज पर ध्यान देते हैं तो किसी एक चीज पर फोकस कर नहीं सकते। तो दोस्तों अगली बार जब आप अपनी चाबियां रखकर भूल जाओ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह भी सोचकर खुश हो सकते हैं कि आपके दिमाग में नए आइडियाज के लिए जगह बन रही है। वाह क्या रिसर्च है। नंबर 9, लेजी इन बिहेवियर। दोस्तों एक रिसर्च से पता चला है कि जीनियस लोगों का दिमाग सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों की तुलना में 20-30% अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है। इसलिए जीनियस व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियाँ साधारण व्यक्ति की तुलना में काफी कम या धीमी होती है, और इसी वजह से कई लोग इन्हें आलसी समझते हैं। लेकिन जब कोई जीनियस व्यक्ति कोई बौद्धिक कार्य कर रहा होता है तो वो खुद को अपने काम में बहुत सक्रिय महसूस करता है, और ये देखने के बाद कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ये वही आलसी व्यक्ति है। तो अब अगर कोई आपको आलसी कह रहा है तो क्या आपको उन्हें यही जवाब देना चाहिए कि बुद्धिमान लोग मस्तिष्क से काफी ऊर्जा का उपयोग करते हैं इसलिए शारीरिक गतिविधियां कम करते हैं। नंबर 8, लेस सोशल एंड नॉट टू बी फैशनेबल। जीनियस व्यक्ति को अपना समय बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए वो ऐसी कोई भी आदत नहीं डालते जिससे उनका वक्त बर्बाद हो, जिसमें से एक है फैशनेबल होना और दूसरा ज्यादा सामाजिक होना। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनकी थिंकिंग कॉम्प्लेक्स होती है और समाज के लोगों से उनका माइंडसेट अलग होता है। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि इंटेलिजेंट लोग बहुत कम सोशल होते हैं और दूसरों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते, और जीनियस लोग रिजर्व रहना पसंद करते हैं। इसके साथ ये लोग फैशन की दुनिया से भी दूरी बनाकर रखते हैं। इन लोगों को फैशन करना समय की बर्बादी लगता है, और शायद इसी वजह से जीनियस व्यक्तियों को लोगों से मिलना या पार्टी करना अक्सर नापसंद होता है, और ये सादगी भरा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। नंबर 7, ईटिंग द सेम ब्रेकफास्ट एवरीडे। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेकफास्ट का जीनियस होने से क्या लेना देना होगा, भला नाश्ता करके कौन जीनियस बन सकता है। तो हम आपको हाल ही में कुछ रिसर्च के बारे में बताते हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति रोज एक ही तरीके का साधारण नाश्ता करता है वो किसी और व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदार होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो व्यक्ति रोज एक ही तरीके का ब्रेकफास्ट लेता है वो दिन भर ज्यादा प्रोडक्टिव होता है और उसका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड होता है। जीनियस लोग रोज सुबह खाने पर ध्यान देकर अपना समय बर्बाद करने की जगह उस सुबह के सबसे प्रोडक्टिव आवर्स को अपने लक्ष्य को पाने में लगा देते हैं, और यही कारण होता है कि वो खाने पीने में भी ज्यादा स्वादिष्ट खाने को लेकर सीरियस नहीं होते। रोज सुबह वही साधारण और एक जैसा नाश्ता खाते हैं, लेकिन पौष्टिक भोजन खाना पसंद करते हैं, ना कि स्वादिष्ट भोजन, और पूरे दिन एनर्जेटिक प्रोडक्टिव और फोकस्ड रहते हैं। नंबर 6, सेंसिटिव टू नॉइस। इस धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी सुनने की क्षमता अन्य प्राणियों के मुकाबले बहुत कम होती है। जैसे जानवरों को छोटी से छोटी आहट भी बहुत दूर से सुनाई दी जाती है, लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए आम व्यक्ति को भी ज्यादा शोर पसंद नहीं होता। वो ज्यादा शोर या जोर की आवाज से परेशान होने लगते हैं, लेकिन अगर बात जीनियस व्यक्ति की करें तो वो इस मामले में और भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उन्हें आम इंसानों के मुकाबले बहुत धीरे बात करना और सुनना पसंद होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा शोर में व्यक्ति का दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता और वो अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाता। और जीनियस व्यक्ति हर समय अपने लक्ष्य के बारे में सजग होता है, और इसलिए उसे ज्यादा तेज आवाज पसंद नहीं होती, और वो तेज आवाज को लेकर आम व्यक्ति के मुकाबले बहुत ही सेंसिटिव होता है। नंबर 5, वर्किंग एट नाइट। ज्यादातर जीनियस को देर रात तक जागने की आदत होती है, लेकिन वो और लोगों की तरह बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल नहीं चलाते रहते, बल्कि अपने जरूरी काम या पढ़ाई करते हैं।
जीनियस लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ते रहने या सोचते रहने की आदत होती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि ज्यादातर जीनियस लोगों को इंसोम्निया की बीमारी थी, यानी नींद न आने की बीमारी। कई इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल लोगों की आत्मकथा से पता चलता है कि उन सब में एक बात कॉमन थी, वो ये कि उन्हें नींद नहीं आने की बीमारी थी, या फिर देर रात तक जाकर काम किया करते थे और वे रात में बहुत ही कम घंटे सोते थे। और जीनियस लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रात में आसपास का माहौल बहुत ही शांत होता है, जिससे उनके काम में कोई डिस्टर्बेंस या रुकावट नहीं आती और वो ज्यादा फोकस्ड रहकर अपने काम को कर पाते हैं, और उन्हें हर वक्त कुछ न कुछ करने की लगन और सोच नींद से दूर रखती है। नंबर 4, मेसी एनवायरनमेंट। आपने कई बार अपने आसपास के बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन उन्हें ज्यादा साफ सफाई रखना पसंद नहीं होगा। या फिर आपने अपने स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जरूर देखा होगा जो पढ़ने में काफी होशियार होते हैं, लेकिन उन्हें आसपास ज्यादा साफ सफाई रखने के बजाय गंदगी रखना पसंद होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गंदगी का जीनियस होने से क्या लेना देना है, तो आपको इससे जुड़ी एक रिसर्च के बारे में बता दें कि एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जीनियस लोगों को अपने आसपास ज्यादा साफ सफाई रखना पसंद नहीं होता। उन्हें आसपास फैली गंदगी और कबाड़ को देखकर यूनिक आइडियाज आते हैं और उनका दिमाग ज्यादा तेज चलता है। साथ ही साफ सफाई में लगने वाला वक्त को अपने दूसरे जरूरी काम में वो लगा देते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जीनियस लोग रहन सहन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जैसे बिस्तर सही करना, कमरे को सजा कर रखना, क्योंकि हमेशा ये कुछ नया सोचते रहते हैं। इस वजह से ये अक्सर छोटी छोटी चीजों को भूलते हैं। नंबर 3, ऑलवेज ब्लंट। दोस्तों, जीनियस लोगों की सबसे बड़ी खासियत में से एक है कि उनका बेझिझक और बेबाक तरीके से अपनी बात को दूसरे के सामने रखना, जो कि कोई साधारण आदमी नहीं कर पाता। दरअसल किसी भी साधारण व्यक्ति को अगर सामने वाले की बात गलत लगती है या वो उसकी बात से सहमत नहीं होता, तो वो कई बार संकोच वश को अपनी बात को उस दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोल पाता। इसका कारण या तो कम ज्ञान का होना होता है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी का होना होता है। लेकिन जीनियस व्यक्ति के पास ये दोनों बात होती है और वो बिना किसी डर या संकोच के अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्षम होता है और बिंदास तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करता है। नंबर 2, एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी। आज की इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे किसी न किसी टेक्नोलॉजी की लत ना लगी हो, और खासकर आजकल के युवा वर्ग। कई बार हमने अपने आसपास लोगों को कहते सुना होगा कि टेक्नोलॉजी का एडिक्शन अच्छा नहीं होता और ये हमारी मानसिक स्थिति के लिए नुकसानदायक है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने आज के मनुष्य को चारों तरफ से घेर रखा है और इसलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वक्त वक्त पर कई सारे रिसर्च करके टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर मनुष्य की मानसिक स्थिति का पता लगाने में लगे रहते हैं। और ऐसी एक रिसर्च में बात सामने आई है कि जो व्यक्ति किसी न किसी टेक्नोलॉजी से एडिक्टेड होता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है। ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं और हर जगह काम करने के लायक होते हैं। उन्हें किसी भी फील्ड का काम दिया जाए, वो बहुत ही आसानी से उस फील्ड में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की लत लगी हो, तो आप भी शायद जीनियस की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। नंबर 1, टॉकिंग टू देमसेल्व्स। दोस्तों, जीनियस लोगों की सबसे खास बात होती है कि जब कभी भी वो किसी मुसीबत या परेशानी में होते हैं, तो वो खुद से बात करते हैं, और अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति उसे ऐसा करते देख ले तो वो उसे पागल समझने लगेगा। क्योंकि क्या आपको पता है जीनियस लोग खुद बातें क्यों करते हैं? क्योंकि एक जीनियस व्यक्ति ये अच्छे से जानता है कि उसकी इस परेशानी का हल वो खुद निकाल सकता है और खुद से बात करके वो खुद को मोटिवेट करता है। वही एक आम व्यक्ति परेशानी में दूसरे से मदद की उम्मीद करता है, लेकिन जीनियस व्यक्ति ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि ऐसी कोई मुसीबत या परेशानी नहीं है जिसका हल इंसान खुद ना निकाल सके, और बस इसी वजह से जीनियस व्यक्ति खुद से ही बात करके मोटिवेट होता है और सामने आई मुसीबत का सलूशन खुद ढूंढ लेता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।